हेलो माय लवली बेकर, आज हम डीरक केक के आइसिंग से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब क्राम कटिंग और लेयरिंग की पार्ट आज नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ, क्योंकि हर रोज़ एक ही चीज़ क्या दिखाए, तो इसलिए आज लेयरिंग करना आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया। और आज हम नॉर्मल 1 पाउंड का वनीला केक बना रही हूँ, तो इसके लिए वनीला केक जैसे लेयरिंग करते हैं हम भी वैसे किया हूँ। और सबसे पहले मैंने 1 पाउंड के लीक केक के लिए एक नॉर्मल वनीला स्पॉन्ज बना ली थी, और ये स्पॉन्ज मैंने प्रीमिक्स से बनाया हूँ। और उसके लिए मैंने 1 कप मेजरमेंट कप से 1 कप प्रीमिक्स लिया हूँ, जो 200 ग्राम होता है, तो वही प्रीमिक्स लिया हूँ। अच्छी तरह से छान के फिर उसके साथ 1 टेबल स्पून ऑयल और पानी देके अच्छी तरह से एक बैटर बना लिया। फिर उसको केक टिन में ट्रांसफ़र किया और गैस पे लो फ्लेम पे लगभग 30 से 45 मिनट तक बेक कर लिया। फिर ठंडा करने के बाद उसको 3 लेयर में कट कर लिया। फिर लेयरिंग किया हूँ, तो पहले फर्स्ट लेयर रखा, फिर अच्छी तरह से शुगर सिरप से सोक किया और क्रीम देके क्रीम्स को स्प्रेड किया। फिर सेकंड लेयर दिया, फिर सेम स्टेप फॉलो करके थर्ड लेयर दिया, और थर्ड लेयर वही वाला दिया हूँ जो केक टिन में बेक करने के टाइम सबसे नीचे वाला लेयर होता है, जिसमें बटर पेपर लगा हुआ रहता है, तो वही वाला लेयर मैं लास्ट में देती हूँ, तो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। तो क्राम कटिंग करने के बाद मैं सभी केक को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख के सेट कर लेती हूँ, फिर मैंने इसका लेयर आइसिंग करती हूँ। और आज हम आइसिंग येलो कलर की क्रीम से कर रही हूँ, और क्रीम को मैंने पहले पाइपिंग बैग में फिल कर लिया और पाइपिंग बैग को बस छोटा सा कट कर ली थी, और उसके बाद मैंने केक के ऊपर क्रीम को अप्लाई करते गया। तो आप लोगों, जिस लोगों को आइसिंग परफेक्ट नहीं होती है ना, तो मैं बोलूँगी कि पाइपिंग बैग में भर के क्रीम को अप्लाई करो केक के ऊपर, फिर इधर उधर स्पॉन्ज नहीं दिखेगा और आइसिंग भी बहुत कम टाइम पे बहुत ही सुंदर होगा और परफेक्ट बनेगा। आइसिंग अगर जिस लोगों को परफेक्ट नहीं होता है, तो मैं उस लोगों के लिए ये वाला टिप शेयर किया। तो आइसिंग करने के बाद आप लोग देख रही हो, मैं आइसिंग करने के बाद एनवन नोज़ल लिया हूँ और व्हाइट क्रीम से मैं 2 फ्लावर बना दिया 2 साइड पे। फिर मैंने लिया हूँ एनवन नोज़ल ही लिया हूँ, आज केक के पूरे डिज़ाइन मैंने एनवन नोज़ल से कवर करने वाली हूँ। फिर एनवन नोज़ल से पिंक कलर की क्रीम से दोनों साइड में 2 फ्लावर बना लिया, तो बड़ा वाला रोज़ बना लिया। फिर मैंने पिंक कलर की क्रीम से छोटा छोटा मैंने स्टार स्टार वाला फ्लावर बना लिया, तो आप लोग देख रही हो। तो पिंक कलर की क्रीम से फ्लावर बनाने के बाद मैंने लिया हूँ रेड वाला क्रीम और उसी सेम नोज़ल एनवन नोज़ल, और उसी से मैंने छोटा छोटा वाला स्टार स्टार वाला फ्लावर बना लूँगी। तो बड़ा फ्लावर मैं लगभग 4 ही बनाया, 2 व्हाइट कलर की क्रीम से और 2 पिंक कलर की क्रीम से, और फ्लावर मुझे नहीं बनाना है अब, मुझे छोटा छोटा वाला स्टार स्टार वाला फ्लावर बनाना है उसी एनवन नोज़ल से। लेकिन इसमें मुझे बहुत सारे कलर से बनाना है, तो पहले मैंने पिंक कलर से बनाया छोटा छोटा जैसा स्टार स्टार जैसा फ्लावर, फिर रेड कलर से बनाया, फिर मैंने ऑरेंज कलर से बनाया, फिर मैंने येलो कलर से बनाया। तो बहुत सारे कलर से बनाना है, कलरफुल केक बनाना थे मुझे, तो इसलिए बहुत सारा कलर मुझे चूज़ करना पड़ा। और ये सारे होने के बाद मैंने ग्रीन कलर की क्रीम से छोटा छोटा लीप बना लूँगी, और लीप मैंने हमेशा पाइपिंग बैग से ही बनाती हूँ, कभी भी नोज़ल नहीं यूज़ किया हूँ आज तक। मुझे जितना बड़ा बनाना है छोटा बनाना है मैं पाइपिंग बैग से ही बना लेती हूँ, तो इसलिए मैं पाइपिंग बैग को बस छोटा सा वी शेप में कट कर लेती हूँ, और फिर उसमें मैं क्रीम भर के फिर मैंने छोटा छोटा वाला लीफ बना लूँगी। तो छोटा छोटा वाला स्टार स्टार वाला फ्लावर जिधर जिधर बनाया ना, तो उसके बीच बीच में मैं इधर छोटा छोटा वाला लीफ बना लूँगी। और आज का जो डिज़ाइन मैंने बनाया ना, कलरफुल वाला डिज़ाइन, ये कस्टमर को बहुत पसंद आए थे और मुझे भी आज का डिज़ाइन बहुत ही पसंद आए थे। लेकिन एक चीज़ तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि एनवन नोज़ल से सारी डिज़ाइन बनाया और मेरे पास एक ही नोज़ल थे, एक्स्ट्रा कोई एनवन नोज़ल नहीं थे, तो बार बार मुझे पाइपिंग बैग से नोज़ल को निकालना पड़ा, फिर उसको क्लीन करना पड़ा, फिर दूसरे पाइपिंग बैग में भरना पड़ा, फिर कलर मुझे ऐड करना फिल करना पड़ा, फिर मुझे उसी नोज़ल से मुझे डिज़ाइन बनाना पड़ा। तो इसमें बहुत दिक्कत आता है, बहुत टाइम भी लगता है और एनर्जी भी पूरे ख़त्म हो जाती है, लेकिन बाद में जब लास्ट में पूरी डिज़ाइन कवर हो जाती है ना बनने, मतलब केक पूरे रेडी होने के बाद जब देखती हूँ, तो तब बहुत अच्छा लगता है। और जब कस्टमर रिव्यू देती है कि बहुत अच्छा बनी थी केक, डिज़ाइन बहुत अच्छे थे और खाने में भी बहुत अच्छे थे, तो तब बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज का केक डिज़ाइन यही थे, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताना, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट।